Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 12 of analytical geometry, some practical problems. अभी तक हमने जो equations पढ़े, equation of line in different forms, 6 types हमने पढ़े. तो आज ये सोचा मैंने कि next topic और कुछ पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ problems करेंगे, तब ताकि आपको भी idea मिलेगा कि वो जो हमने equations पढ़े उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा, applications क्या हैं. तो अगर वैसे ही हमें इक्वेशंस निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, या अगर वैसे ही इक्वेशंस गिवन होंगे तो उनसे हमें क्या निकलेगा. ठीक है, तो इसलिए यही बेटर रहेगा कि आप कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आज करो इस लेक्चर में. तो क्या है सबसे फर्स्ट, तो ये जो सबसे पहले है दैट इज राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दैट इज कार्टेशियन प्लान, एक्स एक्सिस दैट इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई वाई डैश, तो आपको क्या निकालना है. ये जो हर एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, तो ये डिनोट करता है इक्वल टू, जो है ना, ये शॉर्टकट में मैंने इक्वेशन लिखा. तो देखो हर एक लाइन की क्या होती है इक्वेशन. अगर ये एक्स एक्सिस है ना, ये भी एक लाइन है, फिर इसका मतलब इसकी भी एक इक्वेशन होगी. और ऐसे ये जो वाई एक्सिस है ना, क्या वाई एक्सिस, ये भी एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, तो इसकी भी एक क्या होगी, इसकी भी एक इक्वेशन होगी. देखो इससे पहले हमने एक ये जो एक इक्वेशन किया था दैट इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है. एक लाइन है यहाँ पे, तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि इसकी इक्वेशन क्या है. अगर आपको याद होगा हमने इन जनरल लिया था बी, तो आपने कहा था कि इसकी जो इक्वेशन है ना दैट इज वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहाँ पे जो वाई का वैल्यू है वो बी होगा. ठीक है, सपोज अगर वन, यहाँ पे क्या है टू, तो इसकी जो इक्वेशन है ना दैट इज़ वाई इज इक्वल टू टू, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू टू, जितना भी आप एक्स के वैल्यू चेंज करोगे इसका वाई का वैल्यू एक ही रहेगा, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू टू. ये तो आपको ऐसे ही है. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन देखोगे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं माइनस वन, यहाँ पे अगर माइनस टू आएगा फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी. आप यहाँ से देखो वाई पे जो वर्टिक, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस टू, वाई का वैल्यू क्या है माइनस टू. तो बट ये क्या है हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसका मतलब होता है कि आप कितना भी एक्स के वैल्यू चेंज करोगे वाई का वैल्यू सिर्फ यहाँ से एक ही रहेगा. ठीक है, वो कौन सा रहेगा, वाई इज इक्वल टू माइनस टू. फिर इस लाइन की जो इक्वेशन है दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस टू. अब मुझे बताओ ये जो एक्स एक्सिस इनके बीच में, तो इसका वैल्यू क्या आएगा. देखो आपने यहाँ पे वाई इज इक्वल टू देखा, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन सा वैल्यू यहाँ पे था टू, ऐसे ही यहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस टू है. क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे यहाँ से माइनस टू है. फिर आप बताओ यहाँ पे अगर हम हॉरिजेंटल लाइन की बात करते हैं, हमें वाई का वैल्यू देखना होता है, तो ये भी तो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू जीरो है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस जो है ना, इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो. आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे वाई की डिस्टेंस टू है तो हमने लिखा वाई इक्वल टू, नीचे वाई इक्वल टू माइनस टू है तो हमने लिखा, तो बीच में क्या है इनके बीच में जीरो ही है ना. तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है एक्स एक्सिस पे, सिंपल आप देखो एक्स एक्सिस पे वाई किसके बराबर होता है जीरो, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज जीरो. तो आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज एक्स वन होता है, यहाँ पे टू होता है, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव. तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा ये वन, तो आप क्या करोगे इसको वन का मा जीरो लिखना है. तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है दैट इज एक्स का वैल्यू वन है और वाई का वैल्यू जीरो है. वाई का वैल्यू जीरो का मतलब है कि यहाँ से वाई एक्सिस पे जीरो है. और ऐसे ये जो टू है ना, टू कामा जीरो, तो मतलब एक्स एक्सिस का वैल्यू टू है और कामा जीरो मीनस वाई एक्सिस का वैल्यू जीरो है. ये किसके सीट में आता है जीरो. ऐसे ही थ्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री कामा जीरो, फोर कामा जीरो, फाइव कामा जीरो एंड सो ऑन. ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई का वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ हर एक कोऑर्डिनेट में चेक करो, हर एक ऑर्डर पेयर में चेक करो, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू जीरो मिलेगा. इसीलिए एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो ऐसी अगर हमें वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालनी होगी क्या करोगे आप, देखो
सपोज यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी ऐसे, या यहाँ से ठीक है, या यहाँ पे, या यहाँ पे किसी भी जगह, तो आपको इनकी क्या निकालनी है इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखो आपको क्या करना है, आपको इनके इक्वेशंस निकालने हैं। ये वाई एक्सिस थी, दैट इज वाई वाई डैश, और ये एक्स एक्स डैश है। देखो आपको क्या करना है, सिंपल आपको देखना है यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स का वैल्यू इस लाइन पे 2 होगा। आप कितना भी वाई के वैल्यूज यहाँ से चेंज करोगे, ऊपर जाओगे आप ठीक है, तो एक्स का एक ही वैल्यू रहेगा, दैट इज 2। ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, आपका एक ही वैल्यू रहेगा, दैट इज वाई इज एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसकी जो इक्वेशन है ना, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसकी एक ही इक्वेशन होती है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2। आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन वर्टिकल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। आप कितना भी वाई, ये जो है ना, इसका मतलब ऊपर जाने का मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस चेंज करना, वाई के वैल्यू चेंज करना। आप नीचे जाओ, वाई के वैल्यू चेंज करो, आपका एक ही वैल्यू रहेगा एक्स का, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5, फिक्सड वैल्यू रहेगा। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 5। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, आप यहाँ से वाई के वैल्यू चेंज करो। सपोज यहाँ पे वाई का वैल्यू आपने यहाँ पे देखा एक वैल्यू है ठीक है, तो ऐसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे जो एक वाई का वैल्यू आएगा ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, -3, और यहाँ पे आप देखो वाई अगर -1 होगा तो वाई का वैल्यू -1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, -3। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ से -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस का वैल्यू सिर्फ -3। तो आप कितना भी चेंज करोगे ना, एक्स का एक ही वैल्यू रहेगा, दैट इज -3। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज -3। ऐसे ही इसकी जो इक्वेशन बनेगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -6। तो अब किसकी इक्वेशन हमें निकालनी थी, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस बीच में है ना, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू, अगर यहाँ पे -2 है, -3 है, -6 है, तो आपको जो वाई एक्सिस की इक्वेशन आएगी ना, वो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है, 0। सिंपल आपको एक्स, जब भी आपको वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइंस देखने होंगे, तो आपका एक्स का वैल्यू देखना होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है। जब भी आपको हॉरिजेंटल लाइंस, दैट इज लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखना होता है, तो आपको वाई का वैल्यू देखना है, सिंपल है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन, फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -4, 3 एंड स्लोप जो है ना, दैट इज 1/2। ये आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है, तो गिवन क्या है आपको, एक पॉइंट है पासिंग थ्रू -4, 3, मतलब वो जो लाइन है वो कहाँ से गुजरती है, -4, 3 मीन्स कि आपको पॉइंट गिवन है, और स्लोप इज इक्वल टू 1/2, और आपको स्लोप गिवन है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं स्लोप। सपोज ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू -4 है और वाई का वैल्यू 3 है, तो आप कुछ भी ऐसे भी कर सकते, जहाँ पे भी आप बनाओगे ना, आपको ग्राफिकल ये वहाँ पे नहीं देखा जाएगा, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है -4, 3, देखो फिगर से इसके साथ कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको फिगर बनाऊंगा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, स्लोप किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम से ठीक है ना, और एक पॉइंट गिवन है, तो आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि ये कौन सी फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े थे, तो कौन सी फॉर्म है, एक पॉइंट और एक स्लोप, तो ये जो बनता है, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट एक स्लोप, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको पता होगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म केस नंबर 3 था, तो वो किसके बराबर होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ पे y माइनस वाई वन क्या है और x1 क्या है। आपको पता है कि पॉइंट जो है
पॉइंट इसको हम लिखते हैं ऐसे एक्स वन कामा वाई वन, जनरल में जब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी तो वाई वन का वैल्यू क्या है, थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे एम है तो एम का वैल्यू मतलब स्लोप है तो स्लोप वन बाई टू के बराबर है, एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू माइनस फोर है तो यहाँ पे एक अपना माइनस है और यहाँ से माइनस पुट करना है तो ये बनेगा प्लस फोर, विच एम्प्लाइज ठीक है इतना, तो आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टू इंटू वाई दैट इज टू वाई माइनस टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स इज इक्वल टू वन को इसके साथ मल्टीपल करना है दैट इज वन इंटू एक्स एक्स प्लस वन इंटू फोर फोर, विच एम्प्लाइज दिस बिकम्स टू वाई, इसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज टू वाई माइनस एक्स माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। देखो शॉर्टकट्स भी होते हैं, शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, जो ये फार्मूला है इसको हमने लास्ट पे थोड़ा सा मल्टीपल करके हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या करना है। एक्चुअली शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट छोड़ना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है ना। ये जो ट्रिक्स जो होते हैं ना, ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैं खुद भी आपके लिए ट्रिक बना सकता था, बट जितना आपको, क्योंकि ये तो बैंक एग्जाम नहीं है कि आपको टाइम की वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होंगे, आपको अच्छा सा टाइम मिलेगा वहाँ पे मैथमेटिक्स को करने के लिए, तो आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए तब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्वेश्चन आप ये रखो फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू जीरो कॉमा जीरो विद स्लोप एम, तो आपको क्या है कि आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपका जो पॉइंट बनता है दैट इज जीरो कॉमा जीरो एंड स्लोप इज एम, तो गिवन क्या है एक पॉइंट है और स्लोप है, ये तो यही क्वेश्चन है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। आपको अब ये टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए, वाई माइनस, जब आपको इतना प्रैक्टिस होगी तब आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है फार्मूला, वाई माइनस वाई वन, यहाँ पे देखो जीरो कॉमा जीरो एक्स वन y1, तो y1 के बदले आप 0 पुट करो इज इक्वल टू m, m तो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप के बदले m ही है तो m को ऐसे ही रखना है, x माइनस एक्स वन के बदले 0 है ठीक है ना, विच एम्प्लाइज ये बनेगा y माइनस जीरो वाई एम इंटू एक्स इज एम एक्स, तो x माइनस जीरो जो है ना अगर आप करोगे m इंटू जीरो दैट इज जीरो, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, सपोज आपका जो वहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऐसे भी हो सकता है वाई माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड में एम एक्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी शिफ्ट करके वाई माइनस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं ठीक है ना। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर थ्री, तो अब क्वेश्चन नंबर फोर मैं इतना ही लिखूंगा पासिंग थ्रू, तो वो तो आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ है लाइन पासिंग थ्रू टू कमा टू अंडर रूट ऑफ थ्री विद स्लोप, या इस वक्त हम एंगल लेंगे ठीक है, एंड एन का लाइनड, वो जो लाइन है वो एक एंगल बनाती है इनक्लाइनड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, या 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री ईजी हो जाएगा आपके लिए, तो आपको क्या करना है सिंपल, आप यहाँ से देखो पासिंग थ्रू टू कमा टू अंडर रूट ऑफ थ्री, एक लाइन है जो कि किस पॉइंट से पास हो रहे हैं टू कमा टू अंडर रूट ऑफ थ्री, मतलब आपको ये दिमाग में रहा कि एक पॉइंट तो गिवन है और साथ में क्या गिवन है, वो जो लाइन है ना वो एक एंगल बनाती है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। अगर आप इस वक्त फिगर बनाओगे तो आपकी जो फिगर है यहाँ पे एंगल बनता है और एक पॉइंट है, तो आप किसी भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं पॉइंट, एक लाइन पे रख सकते हैं अपना काम करने के लिए, वो तो आपको नहीं कहेंगे कि आपने क्यों यहाँ पे रखा, ये तो यहाँ पे नहीं था, आपको एक्चुअली आंसर निकालना है। देखो टू कमा टू अंडर रूट ऑफ थ्री, अभी आप देख रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट तो गिवन है ना ठीक है, बट साथ में क्या गिवन है एंगल, तो एंगल से क्या निकलता है स्लोप, आपको पता है ना कि एंगल से कैसे स्लोप निकालते हैं, तो अगर आपका स्लोप यहाँ से निकलता है यहाँ पे पॉइंट है तो ये तो फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गई ठीक है ना, कौन सी फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या होता है वाई माइनस
y1 is equal to m times x minus x1, which implies, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट टू का मान टू अंडर रूट थ्री है तो आप इसको लिख सकते हैं x1 का मान y1, तो आपका जो y माइनस y1 रहेगा दैट इज टू अंडर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू m, m माइनस स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है ना, तो ये तो एंगल है विच मीन्स थीटा, थीटा जो होता है एंगल, तो स्लोप किसके बराबर होता है। जब भी आपको पता है कि स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर पॉइंट्स दो पॉइंट्स गिवन है आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इस वक्त आपका क्या गिवन है, इस वक्त आपका एंगल गिवन है तो आप निकाल सकते हैं ना स्लोप। तो टेन थीटा, आपको पता है कि स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं, तो टेन थीटा के बदले आएगा 60 डिग्री, तो टेन 60 किसके बराबर होता है अंडर रूट ऑफ थ्री, तो यहाँ पे आप एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन के बदले आपको टू लिखना है। ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका ऑप्शन ऐसे ही होगा या विच इम्प्लाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाई माइनस टू अंडर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री इंटू एक्स दैट इज अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ थ्री दैट इज टू अंडर रूट ऑफ थ्री। यहाँ से भी माइनस टू अंडर रूट थ्री है, वो राइट हैंड साइड भी क्या है माइनस टू अंडर रूट ऑफ थ्री, आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा सिंपल आएगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आपको मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव। तो आपको पता है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है ना, तो गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन नंबर फाइव में इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप माइनस टू। क्या है क्वेश्चन, आपको यहां से स्लोप गिवन है, ठीक है, एक आइडिया तो आपको मिल गया, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। वो जो लाइन है ना जिसको जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको ऊपर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स। आपको एक लाइन गिवन है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ थ्री यूनिट्स, थ्री मतलब वन टू थ्री। बट यहाँ पे मसला है कि वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक्स एक्सिस को कर रहा है या वाई एक्सिस को, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के भी दो केसेस हैं, क्या पॉजिटिव साइड से क्या नेगेटिव साइड से, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि लेफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब ये जो यहाँ पे बीच में ओरिजिन होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री होता है, ये जो थ्री यूनिट्स का मतलब है कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक थ्री यूनिट्स डिस्टेंस हैं, तो मतलब ये यहाँ पे वो जो लाइन है ना वो यहाँ पे कट कर रहे हैं, और स्लोप क्या है माइनस टू, आपको ऐसे करना है। ठीक है, एक लाइन है, ये एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं कहाँ पे, माइनस थ्री पे, तो इसी को बोलते हैं ना थ्री यूनिट्स टू द लेफ्ट। अगर राइट होता तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे करते या ऐसे करते, ठीक है। तो अब मसला है कि आपका अगर क्वेश्चन होगा कि ऐसे क्यों लाइन ड्रा की, ऐसे क्यों नहीं लाइन ड्रा की, यहाँ पे भी तो या तो हम ऐसे भी लाइन ड्रा कर सकते थे, मैंने ऐसे क्यों किया, ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं भी पता होगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम पे, तो अगर आपको फिर भी सीखना है सुनना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे स्लोप क्या है माइनस टू, याद रखा करो अगर स्लोप पॉजिटिव होगा ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस से ये ऐसे होती है, अगर नेगेटिव होगा ये ऐसे होती है, बस आया समझ में, तो इतना ही है। तो इसलिए मैंने यहाँ से किया क्योंकि स्लोप जो है ना दैट इज माइनस टू, तो स्लोप का मतलब क्या है एम इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, एम तो आपको गिवन है बट यहाँ पे क्या गिवन है माइनस थ्री गिवन है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना किस इस लाइन पे जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, आपको इसका स्लोप गिवन है माइनस टू, और
और क्या गिवन है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करते हैं, दैट इज माइनस थ्री। आप इस पॉइंट को ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, माइनस थ्री कामा जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है दैट इज माइनस थ्री और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वाई, इससे पहले भी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो माइनस थ्री कामा जीरो। अब आप खुद भी देख सकते हैं ये जो लाइन अभी थी ना जहाँ पे माइनस थ्री, तो हमने क्या किया, माइनस थ्री का मतलब जीरो जो ही हमने लिखा, तो हम खुद ही समझेंगे कि ये जो लाइन है ना कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस थ्री का मतलब जीरो है और स्लोप एम इज इक्वल टू माइनस टू। अब तो आपको पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, आप कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट आपको ये यूज करना है और स्लोप आपको ये यूज करना है जो हमने इससे पहले इक्वेशन की, y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन, बस आपको वैसे ही पॉइंट यूज करना है और स्लोप यूज करना है, तो आप ये खुद करोगे, ठीक है। तो अगर पॉसिबल होगा तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो वैसे हमको पता चलता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तो